हाय गाइस, तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जाने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स फ्रॉम गिवन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक आइगन वैल्यू है लैम्बडा इक्वल्स टू टू, और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी हमें दिया हुआ है वन एंड टू, और सेकंड आइगन वैल्यू है वन और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है थ्री एंड फोर। ठीक है, तो इससे हम मैट्रिक्स कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पे एक मेथड आती है, वो है डायगोनलाइजेशन मेथड। डायगोनलाइजेशन मेथड इज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू एम डी एम इनवर्स। ठीक है, एम डी एम इनवर्स, इसको याद कैसे कर सकते हैं? मैडम इनवर्स। ठीक है, मैडम इनवर्स। तो एम जो मैट्रिक्स रहती है वो हमारी आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर से बनती है। आइगन वेक्टर यानी कि वन एंड टू, यहाँ पे वन और टू आ गया, और सेकंड आइगन वेक्टर थ्री एंड फोर, यहाँ पे थ्री एंड फोर आ गया, और डी यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स बनती है आइगन वैल्यू से। आइगन वैल्यू के मतलब दो टू एंड वन हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, और बाकी के जीरो, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। और यहाँ पे यम इनवर्स मुझे मीन्स इसका इनवर्स। इसका इनवर्स कैसे पता कर सकते हैं? मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए और इन दोनों का ओनली साइन इंटरचेंज हो गया। आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे पता कर सकते हैं? और इन टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ यम, यहाँ यहाँ पे यम है, यानी कि 4 माइनस 3 2 6, 4 माइनस 6 यानी कि -2 आ गया। ठीक है, अगर इन तीन मैट्रिक्स का आप अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको एक नई मैट्रिक्स भी मिलती है जो कि ए। अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले।